एक फेरी करने वाले लड़के का प्रेम प्रसंग अपने घर के बगल में रहने वाले एक लड़की के साथ चल रहा था। कई महीनों से दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, बातचीत करते थे और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ लगातार अनैतिक रिश्ते स्थापित करते रहे, जिसकी वजह से लड़की प्रेग्नेंट हो गई। और जब इस बारे में उसके घर वालों को पता चला तो उसके घर वालों ने उस लड़की को कहीं भी आने जाने से मना कर दिया और पाबंदी लगा दिया और घर में ही रहने की इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों घटना वाली रात उस लड़की ने अपने प्रेमी को फोन करके घर बुला लिया और उसके साथ अनैतिक रिश्ता स्थापित कर रही थी। तभी अचानक कमरे से बाहर जा रही आवाजों को सुनकर उसके कमरे में जब खटर-पटर की आवाज हुई और वो आवाज बाहर जाने लगी तो उन आवाजों को सुनकर उसके पिता की आंख खुल गई। और उसके बाद उसके पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया और फिर दोनों उसके कमरे के पास जाकर खड़े हो गए और फिर सोचने लगे कि अंदर कोई है। उनको शक हो गया कि कोई है उसके साथ। उसके बाद दोनों ने जब दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर वो लालताल हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। उसके बाद दोस्तों उस लड़के के साथ, उसके प्रेमी के साथ, उसके पिता और उसके भाई ने क्या किया, किस तरह से ऐसा क्या किया उसके साथ कि उसकी मौत हो गई, आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक ही सेकंड लगेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों ये घटना एक शहर है फरीदपुर, जिसका थाना क्षेत्र भी फरीदपुर का है, वहां से एक गांव है जिस गांव का नाम था छेदीपुरवा। वहां का रहने वाला सुनील नाम का एक लड़का फेरी का काम करता था, गांव गांव चलकर कपड़े भेजता था और अपना गुजारा करता था। दोस्तों उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चलने लगा और दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों के बीच कई महीनों से अवैध संबंध बन रहे थे। इस बारे में लड़की के घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन प्रेमी के साथ बार बार संबंध बनाने की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने ये बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की, यानी कि उस लड़की को उन्होंने मारा। उसके बाद उसे घर से बाहर निकलने, कहीं आने जाने से भी पाबंदी लगा और घर में ही रहने की इजाजत दे दी। दोस्तों लड़की उस लड़के से, यानी अपने प्रेमी से मुलाकात नहीं कर पाती, तो बेचैन रहती थी। एक रात ऐसी आई दोस्तों, जो घटना वाली रात थी, उस लड़की ने अपने प्रेमी को फोन किया और मिलने के लिए अपने घर बुलाया। बगल में उसका घर था, वो प्रेमी भी उसके कहने पर आधी रात को उसके घर चलाया और फिर उस लड़की ने अपने प्रेमी को अपने कमरे में ले गई, जहां दोनों एक दूसरे के साथ फिर से अनैतिक रिश्ते बनाने लगे। लेकिन दोस्तों बेटी के कमरे से खटर पटर की आवाजें आ रही थी, जिसको सुनकर उसके पिता की नींद खुल गई। और जब वो उठकर अपने बेटी के कमरे के पास गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के रूम में उसके साथ उसका प्रेमी भी था। दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने बेटे को जगाया और दोनों ने, बाप बेटों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा और दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर घुसे और वहां पर उन्होंने उसके प्रेमी को पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। उसके बाद बंधक बना लिया दोस्तों और इतना मारा दोस्तों, जब वो चिल्लाने लगा तो आसपास पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। लेकिन दोस्तों जब तक सब लोग वहां इकट्ठे होते, दर्द के मारे उस लड़के की मौत हो चुकी थी। जब इस बात की खबर उसके घर वालों को मिली तो उसके घर वाले भी वहां पहुंच गए और पहुंचते ही उन लोगों ने पुलिस वालों को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस वाले भी पहुंच गए और पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लाश को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आगे की कार्रवाई करने लगी। दोस्तों जब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उस लड़के का पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो लड़की भी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और दोनों उस रात एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे बैठकर कि आगे क्या होगा, शादी करेंगे क्या करेंगे, इस बारे में दोनों बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद वो दोनों अनैतिक रिश्ते बना रहे थे। तभी अचानक लड़की के पिता ने दोनों को देख लिया और फिर अपने बेटे के साथ मिलकर उस लड़के को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। दोस्तों जब मामले की छानबीन हो गई तो पुलिस वालों ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगाया और फिर उसे आगे की कार्रवाई के लिए दोनों को जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की जब उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी को अपने घर बुलाया तो ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनने के बाद पूरा इलाका सुनसरा गया। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग जो समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आप लोग ऐसी घटनाओं को देखकर सुनकर सतर्क रहें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपको अपनी जान गंवानी पड़े और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, अपराधी मानसिकता को समझें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।